ओम शांति। आप सभी कुमारों को मिलते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। आज हम सभी से मिल रहे हूं। बाबा ने बहुत कुछ अपने को ज्ञान दिए हैं और हम उसी अनुसार पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और अपने जीवन में वो धारणा करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं। कुमार लाइफ हमारी जो होती है वो बहुत ही बेफिकर वाली होती है। बाबा कहते हैं किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है कुमारों को, किसी प्रकार की जिम्मेवारियां नहीं होती है कुमारों को, किसी प्रकार का बोझ नहीं होता है उनके ऊपर। जिस तरह बाबा ज्ञान देते हैं, जितना समय चाहिए वो कुमार दे सकते हैं अपने जीवन में। तो हमें बाबा के ज्ञान में जिस तरह से भी चलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोग चाहते हैं कि पुरुषार्थ करें, तो उन पुरुषार्थ में हमें अपने जीवन में बैलेंस रखते हुए कैसा चलना है, मैं देखता हूं। सुनने में भी आता है कई कुमार अपना जाप छोड़ के इस सेवा कार्य में पूरा टाइम लगना चाहते हैं, कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस ठप करना चाहते हैं और इस ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं। यह करना कोई बुरी बात नहीं है। बाबा खुद भी कहते हैं कि जितना हो सके उतना ज्ञान को धारण करो और बढ़ते जाओ आगे, लेकिन हमारे जीवन में भी एक बैलेंस और संतुलन होना जरूरी है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर प्रकृति और भगवान, ये दोनों नियम पर 100% चलते हैं और एक्यूरेट है। प्रकृति किसी के लिए भी अपने नियम तोड़ती नहीं और भगवान भी किसी के लिए भी अपने नियम नहीं तोड़ते हैं, लेकिन प्रकृति का और भगवान का भी एक रूल है, जब तक आप कुछ दोगे नहीं तब तक ना प्रकृति आपको रिटर्न करती है ना भगवान आपको रिटर्न करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी किसान के पास 1,000 एकड़ जमीन है और उसको एक तिल का एक दाना चाहिए। अगर वो कहता है जमीन को, भूमि को, कि आप ये सारी भूमि रख लो लेकिन सिर्फ मुझे एक तिल का दाना दे दो, क्या वो प्रकृति दे पाएगी उस किसान को तिल का दाना? कदापि दे नहीं पाएगी, लेकिन देगी तब जब वो एक बीज तिल का जब भूमि में बोएगा डालेगा तब वो हजारों तिल दे सकती है, लेकिन पहले उसको देना पड़ेगा। यही रूल भगवान का भी है। आज के मुरली में भी आया था कि जब तक इंश्योरेंस नहीं करोगे, इंश्योर नहीं करोगे तब तक रिटर्न नहीं मिलेगा। आज कोई अमीर है कोई गरीब है, तो बाबा ने उसका उदाहरण दिया, जो अमीर है उन्होंने गए जन्म में भक्ति मार्ग या ईश्वर अर्थ किया हुआ है दान पुण्य, इसलिए उनको आज के जन्म में धन की प्राप्ति हो रही है। आज जो गरीब है उन्होंने ईश्वर अर्थ इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है, इसीलिए उनको आज धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली में बहुत अच्छा पॉइंट कहा था, अगस्त या सितंबर की मुरली है वो 2021 की। कोई कितना भी क्यों न गरीब हो, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में, रुद्र यज्ञ में ईश्वरीय कार्यार्थ अगर एक पाई भी नहीं लगाएगा तो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। जिस तरह प्रकृति, मान लीजिए हम कोई पेड़ लगाते हैं आम का, तो प्रकृति हमें आम का ही पेड़ रिटर्न देगी। कोई पपीते का पेड़ लगाएगा तो प्रकृति हमें पपीते का ही देगी। यही हमारे ईश्वरीय नियम में लागू होता है।
कोई समझता है कि हम तन दे रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, इसका रिटर्न हमें मिलेगा, लेकिन केवल तन की सुंदरता मिल सकती है, तन का स्वास्थ्य मिल सकता है, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं। लेकिन धन की प्राप्ति कब होगी? जब इस ईश्वरीय कार्य में हम कुछ ना कुछ लगाएंगे तो रिटर्न हमें वो धन की प्राप्ति होगी। तो जब तक हम इस ईश्वरीय कार्य में आना पाई कुछ भी नहीं लगाते हैं तो हमें रिटर्न भी कुछ नहीं मिलता है। भक्ति मार्ग में इसी का उदाहरण दिया गया है महाभारत में, कृष्ण और सुदामा का। तो सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिया कृष्ण को, तो कृष्ण ने, भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति में, उनको उन्होंने महल दिया, पूरे गांव वालों को उन्होंने धनवान बनाया। तो कहने का भाव, जब तक हम देते नहीं है तब तक रिटर्न मिलता नहीं है। यही एक कर्मों का खेल है। तो बाबा भी कहते हैं इस ईश्वरीय कार्य में तन मन और धन लगाना है, हमें केवल अपना तन नहीं लगाना है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो मन से भी करना है। एक बार मैंने जानकी दादी को पूछा था कि दादी, अपने यज्ञ में इतना बड़ा कार्य होता है और बाबा एक तरफ कहते हैं कि भंडारी में जो भी हम धन डालते हैं वो पवित्र होता है, तो इतना सारा मधुबन में भी हम देखते हैं कई बार बिल्डिंग बनती है तो तोड़ी जाती है, कुछ भोजन वेस्ट जाता है, कोई चीजें वेस्टेज हो जाती है, तो बाबा का धन एक पवित्र होने के बावजूद ये वेस्टेज क्यों होता है? तो दादी ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा, जिस व्यक्ति ने वो धन कमाया किस तरह का है। भंडारी में डालने वाला व्यक्ति ने तो डाला, लेकिन उसकी कमाई कैसी है? अगर उसकी कमाई शुद्ध है, शुद्ध अर्थात किसी का मन को दुख न देते हुए कमाई हुई है, किसी को न ठगते हुए कमाया है, किसी को तकलीफ न देते हुए कमाया हुआ है, किसी के मन को मारते हुए नहीं कमाया है, अगर उसका वैसा धन है तो वह धन सफल होगा। अगर उसने किसी को दुख देके ठगी करके कमाया हुआ है तो वह धन भी सफल नहीं होगा। दूसरी बात दादी ने कहा, अगर उसने सच्चे दिल सच्चे मन से वो कार्य किया है, बाबा के कार्य के लिए मैं कह रहा हूं करके निसंकोच रीति से किया है, तो वो धन भी सफल होगा। जिन व्यक्तियों ने गलत तरीके से धन का इनकम किया हो और भले वो धार्मिक कार्य में भी अगर लगाया हो तो वो सफलता नहीं मिलती है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं उसका हमें बैलेंस रखते हुए चलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारी दिनचर्या है, अगर हम बहुत सेवा करते सुबह से शाम तक और मुरली नहीं सुन पा रहे हैं तो बाबा ने तो हमें इसकी परमिशन नहीं दिया कि भाई भले आप दिन भर सेवा करो, इसी कारण थक गए हो तो मुरली नहीं सुनो, या आपने बहुत सेवा की तो अमृत वेला नहीं करो, या आपने बहुत सेवा की तो टाइम पर भोजन पानी नहीं करो, या टाइम पर नींद नहीं करो। तो हर चीज का हमारे जीवन में जब तक बैलेंस नहीं रखोगे तब तक हमारा जीवन संतुलन नहीं होगा। तो वर्तमान समय में हमें अगर पुरुषार्थ में भी आगे जाना चाहिए, चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने दिनचर्या में कुछ कुछ चीजों को एक्यूरेट रीति से ऐड करना चाहिए। जैसा मान लीजिए हम सुबह उठते ही नहा लेते फ्रेश होते हैं तो हमारा स्वस्थ शरीर रहता है, हम टाइम टू टाइम भोजन करते हैं तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसी तरह हम अगर ज्ञान योग में भी टाइम देते हैं, मुरली रोज के रोज सुनते हैं
तो बाबा करते नए नए पॉइंट हमें सुनने को मिलते हैं, उससे हमें प्रेरणाएं मिलती है। मैं सच कह रहा हूं ये बात, अगर आप किसी के क्लासेस भले नहीं सुनते हो या कोई आप प्रवचन नहीं सुनते हो, लेकिन एक घंटा मन से और हर शब्द को ध्यान देते हुए अगर आप मुरली सुनोगे तो देखना आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा। भले हम कुमार हो, गृहस्थी जीवन जी रहे हो, लौकिक में हो, अलौकिक में हो या समर्पित जीवन जी रहे हो, लेकिन उस मुरली से रोज के दिनचर्या हमें किस तरह चलनी चाहिए वो हमें मिलता है। हमें भले कितना भी क्यों न बिजी हो, आधा घंटा या एक घंटा जरूर हमें योग के लिए टाइम निकालना चाहिए। कई बार बाबा कहता है निरंतर याद में रहना चाहिए, मैं खुद का कहना चाहूंगा कि मैं निरंतर याद में रहने के लिए करता क्या हूं, कि मैं भी भूलता रहता हूं, दिन भर भूलता रहता हूं, ये नहीं है कि मुझे याद रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बाबा याद रहे इसके लिए मैं एक अचानक मुझे एक दिन पॉइंट याद आया कि हमें कोई अगर व्यक्ति हेल्प करता है किसी बात के लिए, साधारण के रूप में कोई पानी दिया हम कहते थैंक्स, कोई हमें पेन दिया हम कहते थैंक्स, कोई चीज हमें हेल्प किया या किसी ने टाइम बताया, कोई जानकारी दिया तो भी हम उसको थैंक्स करते हैं। तो मैंने देखा क्यों ना हम भगवान को थैंक्स करें हर बात के लिए। सुबह वो हमें अमृत वेला उठाता है, बाबा थैंक्स। पानी पीने को मिला, बाबा थैंक्स। नहाने के लिए हमें पानी मिला, बाबा थैंक्स। हमें नाश्ता करने के लिए मिला, बाबा थैंक्स। हमें मुरली सुनने को मिला, बाबा थैंक्स। हमें अपने ड्यूटी पर टाइम पर जाने के लिए मिला, बाबा थैंक्स। हो सकता है हम ट्रैफिक में अटक जाए, हो सकता है हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, कोई भी कारण बन जाए तो हम टाइम पर पहुंचे, इसीलिए बाबा थैंक्स। हमें रेस्ट करने के लिए टाइम मिला, बाबा थैंक्स आपका। हमें नाइट को भोजन करने के लिए मिला, बाबा थैंक्स। कहीं हमें घूमने के लिए जाते हैं, सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित आते हैं तो भी हम कह सकते हैं बाबा थैंक्स। जब हमें एक मनुष्य को छोटी सी हेल्प करने से भी उसको धन्यवाद देते हैं तो भगवान हमें पूरे दिन भर हमारी दिनचर्या निर्विघ्न रीति से चला रहा है, सहयोग देते हुए चल रहा है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आ रहा है हमारी दिनचर्या में, तो क्यों ना हम भगवान को थैंक्स देवे। तो जितनी जितनी बार हम बाबा को थैंक्स देते जाएंगे उतनी बार हमें ऑटोमेटिक अपने जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। बाबा हमें सहज करता है, एक बार याद करो तो एक जीरो लगेगा, दो बार याद करो तो दो जीरो लगेगा। तो उसी तरह हम जितनी बार बाबा को थैंक्स बोलते जाएंगे उतनी बार हमारा जीरो जीरो लगता जाएगा। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में हमें दो बातें करनी है, जीवन में हमारे स्कूल में हमें केवल प्लस प्लस ही सिखाया जाता है कि आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और कमाई करते रहो, लेकिन हमारे ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी में माइनस की भी कमाई करनी है तो प्लस की भी कमाई करनी है। आप सोचोगे माइनस की क्यों कमाई करनी है और प्लस की कैसी करनी है, बाबा तो कहता है कि भाई आपको पुरुषार्थी करना है, माइनस जाना नहीं है, लेकिन बाबा के कहने के अनुसार ही हमें माइनस की भी पढ़ाई करनी है, माइनस का भी पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हमने जो 84 जन्म लिए हैं, इसमें से 63 जन्म जो हमने लिए हैं, वो कर्म अकर्म विकर्म होते गए हैं हमारे जीवन से, तो हमारे सिर पर 63 जन्मों का बोझा है, कर्जा है। अब उस कर्जा को चुकाने के लिए जब तक हम माइनस चुकते करते नहीं जाएंगे, देते नहीं जाएंगे, तब तक वो माइनस नहीं होगा। तो माइनस हमें ये करना है कि जितना जितना हम योग लगाएंगे, जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, ये हमारा माइनस का पुरुषार्थ है, हमारे पाप कटते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। और जितना हम आप समान बाबा कहते सेवा करनी है इस तन और मन से, इस यज्ञ में हमें तन भी देना है, मन भी देना है, अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देना है, ये है हमारा प्लस पॉइंट।
तो हमें दोनों प्रकार की इनकम करनी है, एक हमारे सतयुगी जीवन में राजाई पद पाने के लिए हमें बाबा का संदेश भी देना है जन जन, और हमारे विकर्म विनाश करने के लिए हमारे जीवन में जो पाप का जो खाता है उसको माइनस करने के लिए हमें योग भी करना है। जब तक योग नहीं करोगे तब तक विकर्मों का खाता भस्म नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी भाई को मैंने 1,00,000 रुपए दिया, जब तक वो मेरे 1,00,000 रुपए नहीं देगा तब तक क्या माइनस होगा? कदापि नहीं होगा। भले इस जन्म में देवे अगले जन्म में देवे लेकिन देना ही पड़ेगा। कर्मों का ही यही हिसाब किताब है कि जब तक आप इस कर्म को भस्मभूत नहीं करोगे बाबा के याद में तब तक हमारा खाता माइनस नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं कि हमारे जीवन में दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो हमें ज्ञान को समझना भी है, इस मार्ग में चलने के लिए नए नए पॉइंट्स का चिंतन भी करना है, साथ साथ हमें ज्यादा नहीं है तो कम से कम ऐसा नियम बनाना चाहिए कितना भी क्यों ना बिजी हो आधा घंटा तो कम से कम मुझे योग करना ही है, माइनस करना ही है। जब तक हमारी दिनचर्या में मुरली योग और संतुलित आहार का बैलेंस नहीं लाएंगे तब तक इस ज्ञान मार्ग में हम संतुष्टता से चल नहीं पाएंगे, खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। बाबा कहता है जीवन को संतुलन और खुशमय बनाने के लिए जितना श्रीमत का पालन करोगे उतना ही हमारा जीवन संतुलन बनेगा, सुखमय बनेगा और खुशी आएगी। ओम शांति।